इच्छा में खमासम नो वंदी यो जापनी जाए निसी ही आए मथेन वंदा। इच्छा में खमासम नो वंदी यो जापनी जाए निसी ही आए मथेन वंदा। इच्छकार सुह राई सुह देवसी सुख तप शरीर निरावाद सुख संजम यात्रा निर्वते छो जी स्वामी साता छे जी आहार पानी नु लाभ दे जो जी। इच्छा मीख मासम नो वंदी ऊ जावनी जाए निसी ही आए मथे। इच्छा कारण संधि स भगवन अभुट्यो में अभिंतर रायम देवस्यम खाम्यो। इच्छा खामे में रायम देवस्यम जं किंची अपत्यम पर पत्यम बत्ते पाने विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उभरी भाषाए जं किंचि मध्य विनय परिहीनम सुमम वा बायरम वा तुभ जानह अहम न जानामि तस्मिच्छा मिदुकरम। सुख साता में साहिब जी इच्छा मी खमासम नोवंदी उजाबनी जाय निसी ही आय मथे नंदामि। इच्छा कारण संधि सब भगवन वायना संधि सब इच्छा में खमासम नोवंदी उजाबनी जाय निसी ही आय मथे नंदामि। इच्छा कारण संधि सब भगवन वायना लेशु इच्छम। इच्छा में खमासम नोवंदी उजाबनी जाय निसी ही आय मथे नंदामि। इच्छकारी भगवन पसाय करी वायना प्रसार कराव शोजी। नमो नमो सर्वभावपणासनो जय सुयाणवीर्थयराणम जय जय गुरुलोकानां जय महप्पा महावीर वंदे महापादं महावीरं अमरनारायणं चरमतीर्थयरामिमहसकृत् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको हमने सीखा कि आत्मा का दर्शन गुण है और उसपे आवरण आ जाता है जिसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं और जैसे चक्षु पर चक्षु दर्शनावरणीय कर्म और बाकी के चार इंद्रिय का एक समूह बना है उसे अचक्षु दर्शनावरणीय कहते हैं और जिसमें बाकी की चार इंद्रिय पर स्पर्श इंद्रिय दर्शनावरणीय कर्म रसनेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म घ्राणेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म और श्रोतेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म से आवृत हो जाते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय पर आवरणीय कर्म लग जाते हैं जिसमें आठ प्रकार के स्पर्श है रस पांच प्रकार के है घ्राण दो प्रकार के है चक्षु इंद्रिय के रंग पांच प्रकार के है श्रोतेन्द्रिय सुनना ध्वनि के तीन प्रकार के कुल मिला के पांच इंद्रियों के 23 विषय पर कम या ज्यादा प्रमाण में कर्म का आवरण आ जाता है। अगर हम पांच इंद्रियों के 23 विषयों का राग द्वेष के साथ कनेक्शन तोड़ दे तो कर्म बंद होगा ही नहीं। आत्मा तक बाहर का ज्ञान यही इंद्रिया पहुंचाती है इसलिए पांचों इंद्रियों को ज्ञानेन्द्रिय भी कहा जाता है।
हमारे श्रवण और चक्षु पर लगे हुए दर्शनावन्य कर्म का हमें पता चलता है, जैसे कि हमें कम दिखाई देना या कम सुनाई देना एक्सेट्रा। आत्मा को इंद्रियों द्वारा दर्शन होने के बाद मति ज्ञान चार स्टेप्स में होता है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो अवग्रह यानी अल्पबोध, ईहा यानी जानने की इच्छा, अवाय यानी निर्णय डिसीजन और धारणा यानी फाइनल डिसीजन। मति ज्ञान पर आए हुए आवरण को मति ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं, यानी अवग्रह मति ज्ञानावर्णीय कर्म, ईहा मति ज्ञानावर्णीय कर्म, अवाय मति ज्ञानावर्णीय कर्म और धारणा मति ज्ञानावर्णीय कर्म। तो पांच इंद्रियों और छठा मन पर यह मति ज्ञानावर्णीय कर्म लगने से 6 × 4 = 24 और 4 व्यंजनावग्रह ऐड करके टोटल 28 प्रकार के मति ज्ञान के भेद होते हैं। साहिब जी वहां से म्यूट है, वहां से अनम्यूट करना है जी। बहुत अच्छा है। अब देखिए, आत्मा के जो ये गुण है, अब इन गुणों के अंदर दर्शन भी गुण है, ज्ञान भी गुण है, ये कंपल्सरी गुण है। अब इन्हीं गुणों के कारण ये जो आत्मा है, इन गुणों के कारण आत्मा चेतन कहलाती है। चेतना शक्ति जो है वो किसकी? ज्ञान दर्शन की शक्ति है। दर्शन से देखना, सुनना, चाखना, समझना, ये दर्शन का काम है। और ज्ञान से जानना, समझना, सीखना, याद रखना, स्मृति बनाना, ये ज्ञान का काम है। दोनों के दो डिवीजन हो गए सब। अब इन दोनों के ऊपर अगर जिस प्रकार के आवरणीय कर्म आएंगे तो गुण टकेंगे। आवरणीय कर्म आने का रास्ता जो हमने दिया है, ये इंद्रियों के माध्यम से है। अब जिस इंद्रियों से आप जैसे काम करो, अब उससे सबसे पहले जो है ये दर्शनावरणीय कर्म। अब ये कर्म जो बंधेगा तब क्या होगा? अब ये कर्म बंधता जाएगा। अब आपका जो है देखना, सुनना, सुनना सबके अंदर तकलीफ आएगी। पांचों इंद्रियों, अब कोई भी आत्मा है संसार के अनंत अनंत, मैं पहले भी 2-4 बार कह चुका हूँ चोरडिया जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अब ध्यान से सुनना। महावीर स्वामी ने कोई ये फिलोसॉफी कोई जैनों के लिए नहीं बताई, इट इज यूनिवर्सल, यूनिफॉर्मल, इट्स कॉमन फॉर ऑल। दुनिया के, संसार के समस्त अनंत अनंत जीवों के लिए बताई। अब दूसरे नहीं मानते हैं वो अलग है। Jains are following the Mahavir Swami and that's why Jains are believing in the Mahavir Swami. और Jains जो है वो try करते हैं जो Mahavir Swami ने कहा है उस हिसाब से चलना है, करना है। अब आप ये कहोगे भी दूसरों को, अरे दूसरों को ये सोचना चाहिए, आप जैन मंदिर में भले मत जाओ, all the rituals, whatever type of rituals आपको नहीं करना है आप मत करिए, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन विच इज यूजफुल इन योर लाइफ। क्या अब ये तो बिल्कुल लाइफ के लिए उपयोगी चीजें हैं, तो ईच एंड एवरी लिविंग बींग ऑफ द होल वर्ल्ड यू सी दे शुड फॉलो दिस कर्म फिलोसॉफी बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर देम। आपको जो है आंख तो चाहिए ना, कान तो चाहिए ना, नाक तो चाहिए ना, ये तो पांच इंद्रिया, तो ये हम इसमें महावीर स्वामी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये तो हमको हमारा जीवन जो जीना है उसके लिए जरूरी है। तो आप जिस किसी शरीरधारी बने हो तो कृपया अपने शरीर का आप जो है ध्यान रखिए कि आपको अपनी इंद्रियां आदि शरीर की बरोबर परफेक्ट हो, ये जरूरी है सब। तो ये अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपको ये समझना है आया ख्याल में आपको, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। छोटी सी बात में क्रोध के अंदर आकर के तेरी आंख फोड़ दूंगा, तेरे कान फोड़ दूंगा, तेरे कान में काट लूंगा, तेरे नाक काट लूंगा,
याद रखना, दूसरी बार मेरे सामने बोले तो जीभ खींच लूंगा। अब क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं लोग, बोलते हैं ऐसा मारूंगा 32 दांत टूट जाएंगे, सब दांत तोड़ के नीचे गिरा दूंगा, ध्यान रखना समझे कि। और इतिहास के अंदर जो है एक विपाक सूत्र जो आगम शास्त्र है उसके अंदर इकाई राष्ट्रकूट का एक एग्जाम्पल दिया महावीर स्वामी ने, क्या लाया इकाई राष्ट्रकूट उसका नाम था। अब वो पब्लिक से टैक्स कलेक्शन करने के लिए लोगों को इस तरह से मारता था, काटता था, पीटता था, कभी तो बड़ी कैची लेके जाके लोगों का नाक काटता था, कभी कान काट देता। Why you had not paid the tax? आपका 2 महीने का चढ़ गया। What is the rule? Every month you have to give the taxes. अब वो बोलता है अभी खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है, मैं कैसे दूं साहब, कैसे भरू? नहीं, anyhow you have to pay the taxes. अब वो जो है फटाक से उसके कान काट देता, नाक काट देता था, एक लोहे की रॉड लेकर जाता था, ठीक फटाक जाकर किसी की आंख फोड़ देता था, किसी का कुछ कर देता था। अब ये बड़ा चक्कर चलता था। अब उसका एज कितनी थी उसकी, उस समय उसकी एज जो थी 250 years। अब ये इतना वो काम करता था, ऐसा उसने शुरू किया इधर, और उसको जो है राजा की तरफ से 500 गांव मिले थे। भाई ये आपका 500 गांव आपको दिए गए हैं, आप इसकी व्यवस्था संभालना करना। अब उस जमाने में उसकी एज 250 years, अब वो 250 years के अंदर ये कितनी बार करता रहे, कितनी बार करता रहेगा, कितने लोगों का किया। परिणाम ये आया कि वो जब आकर के मृगा रानी के यहाँ पुत्र रूप से जन्मा, तब जाकर उसको आंख ही नहीं, दोनों आंख नहीं, दोनों कान ही नहीं है, यहाँ से नाक कटा हुआ है। लिप्स एंड पैलेट जो होता है ना, पैलेट, लिप्स एंड पैलेट वो नहीं थे। अब आप सोच लो, जन्म से अंधा है, जन्म से मूंगा है, जन्म से बहरा है, दो हाथ ही नहीं बने, दो पैर ही नहीं बने, और बिल्कुल ये समझो मांसपिंड है, ऐसा जन्मा हुआ पड़ा है। अब जिस माँ ने जन्म दिया, अब वो देखेगी तो सही, मुंह तो देखेगी कि नहीं। अब ऐसी परिस्थिति हुई कि अब बच्चे को दूध कैसे पिलाना। अब जैसे ही वो दूध पीने लगे कि सीधा उसकी श्वास तली में जाए, खौं खौं करते वॉमिट करता था। अब माँ बेचारी चिंता में पड़ गई, कैसे करो? तो माँ बेचारी जो अपना दूध निकाल कर कटोरी में चम्मच से दो दो ड्रॉप डाल डाल करके उसको, आखिर तो बेटा है ना, माँ की ममता तो बनी हुई है, तो माँ क्या करेगी सा, अपना दूध निकाल कर कटोरी में लेकर उसको चम्मच से दो दो ड्रॉप डाल करके कैसे भी बेटे को जिंदा रख लूं, कैसे भी बेटे को जिंदा रखूं सा। 1 साल दूध पिलाया, 2 साल पिलाए, 3 साल पिलाया, उस जमाने में तो इस तरह से पिलाते थे। अब उसके बाद माँ ने जो है देखा कि अब कुछ भी खा पी तो नहीं सकेगा, ये खा ही नहीं सकता है। अब बाहर से दूध लाया, गाय का दूध लाकर दो दो ड्रॉप जो है चम्मच से रोज पिलाती, लेकिन जैसे पिलाती वॉमिट होता था, फिर पिलाते थे फिर वॉमिट हो जाता था। ऐसी परिस्थिति थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हुआ ऐसा कि गौतम स्वामी भगवंत जो है उसके यहाँ गुदरी के लिए पधारे। जब गौतम स्वामी आए गुदरी के लिए, उन्होंने प्रवेश किया तो मृगा रानी ने उनको आमंत्रण दिया, पधारिए गुरुदेव, पधारिए बहुत। अब उन्होंने बोला कि रुको रुको, मैं गोधरी बाद में बैरूंगा, लेकिन पहले मैं आपके बेटे को देखना चाहता हूँ। अरे 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 अरे, आप मेरे बेटे को देखने आए हैं? तो फिर मृगा रानी फटाफट गई, दूसरा बेटा बुलाया, तीसरा बेटा बुलाया, चौथा बेटा बुलाया। 1 4 साल का था, 1 6 साल का था, 1 8 साल का था। लो महाराज देख लो, लो महाराज देख लो, आपको कौन सा पसंद है? महाराज गौतम स्वामी ने कहा, देखो मेरे को पसंद ना पसंद का प्रश्न नहीं है, मैं आपका पहला बेटा देखना चाहता हूँ। आपने उसको नहीं दिखाया, आपने दूसरे 3 दिखाए, आप अपना पहला बेटा दिखाओ। तो वो माँ तो बेचारी एकदम जो है उसको तो पसीना हो गया। बोले महाराज, ये दुनिया में दीवार को पता नहीं, आपको कैसे पता? दीवार के बाहर तो ये बात ही नहीं गई, मेरी डिलीवरी भी मेरे घर में यहीं पर हुई है,
और उस बेटे को तो आज दिन तक उसके पापा ने भी उसका मुंह नहीं देखा है, अब आप क्या देखोगे। तब गौतम स्वामी ने थोड़ी हिम्मत दी, अरे मैं आप समझो भाई, देखो मुझे तो महावीर स्वामी भगवान ने कहा है, और आप विश्वास रखो भगवान को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है तभी वो भगवान बनते हैं, वो केवल ज्ञानी है, वो केवल दर्शनी है, आप उनके दर्शन से कुछ भी जगत में नहीं छिपा सकते हो, उनके ज्ञान से कुछ भी नहीं छिप सकता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, आप दिखाइए मुझे। अब इतनी बात कही तब जाकर मुर्गा रानी को थोड़ी हिम्मत आई कि अब गुरु महाराज को दिखाऊं मैं, समझे, तो वो जो है गुरु महाराज को कहती है, गुरु जी चलिए साहब, मैं भी थोड़ा सा दूध ये हाथ में ले लेती हूँ और आप चलिए साहब। तो उनको वो नीचे लेके जा रही है, एक नीचे का जो अंडरग्राउंड होता है वो खुला, आप अपना मुंह बांध लो, नाक बंद कर लो, कपड़े से कैसे भी करके आप अपना मुंह बांध लो, नाक बांध लो, तो मैं आगे का दरवाजा खोलू। गुरु महाराज ने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो मेरे को, ये दो चार कमरे तो मुझे नीचे उतार कर ले आए हो, आप मेरे को कोई सोना चांदी हीरा मोती धनमाल दिखा रहे हो, कोई बेटा दिखा रहे, कहाँ ले जा रहे। उस महिला ने कहा गुरु जी बेटा ही दिखाने ले जा रहे हूँ, प्लीज आप मुंह बंद कर लो, और कस के जोर से बंद, ऐसा बंद करना, इतना जोर से बंद करना कि थोड़ी भी बाहर की हवा ना जाए अंदर, बस आप सहन नहीं कर पाओगे। तब जाकर उसने, गुरु महाराज ने, गौतम स्वामी ने अपना मुंह वगैरह सब पैक कर दिया बंद, उसने दरवाजा खोला, अंदर लेके गए, इतनी दुर्गंध थी, इतनी बदबू थी, इतनी भारी बदबू थी, इतनी दुर्गंध थी कि कोई होवे तो वहां शायद बेहोश हो जाए। तो गौतम स्वामी ने विचार किया कि मैं सहन नहीं कर पाता हूं और ये बेटा इसी में जी रहा है, अंडरग्राउंड के अंदर है, वेर देर इज नो स्कोप ऑफ एनी सन रेज, नथिंग एट ऑल, ऑक्सीजन कहां से आएगी, क्या होगा। मां ने कहा गुरुजी अब इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है, आप देख लो। तब जाकर के उसने, मां ने थोड़ा सा वो उस जमाने का फानस बोलते हैं ना, फानस का प्रकाश किया, थोड़ा सा प्रकाश करके फानस जो है वो लालटेन नजदीक लाए और उस लालटेन से उसका मुंह चेहरा दिखाया। तब गौतम स्वामी ने बरोबर देखा तो जैसा महावीर स्वामी ने कहा एज इट इज वही परिस्थिति थी, दोनों आंख बनी नहीं है, खड्डा है, दोनों कान बाहर के भी नहीं, अंदर से भी कुछ नहीं है, बहरा मुंगा है, और इधर देखो तो नाक जो है वो इतना कटा हुआ, इतना सा छेद है इतना, और लिप्स और पैलेट्स नहीं है, ये दांत के तालू भी गिरे नहीं है। बोला मुंह खोलो, इसका मुंह देखा तो बिल्कुल खड्डा सीधा, समझे कि नहीं। ये देखकर तो गौतम स्वामी आश्चर्यचकित, अब दोनों हाथ भी नहीं दिख रहे हैं, दोनों पैर भी नहीं दिख रहे हैं, अरे 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 क्या बात, क्या है, क्या बात है, क्या बात है। अचानक गौतम स्वामी के मुंह से जो है एक ऐसा शब्द निकल पड़ा कि अरे 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 क्या मैं जिंदी नरक में हूं, क्या मैं नरक देख रहा हूं कि मनुष्य गति के अंदर मनुष्य को देख रहा हूं, अरे अरे ऐसी वेदना, इतनी वेदना, ये बेचारा कैसे जीता है। तब माँ ने कहा देखो गुरुजी कैसे जीवन जी रहा है, तो माँ ने जो है वो थोड़ी सी चम्मच में दूध लेकर होठ के पास लाया, चम्मच लाया तो पटाख से जो है पूरा शरीर हिलाया, पूरा शरीर हिला करके मुंह खोल करके दूध पीने के लिए कोशिश की। अब जैसे ही माँ ने दो दो ड्रॉप थोड़ा थोड़ा दूध डाला अंदर, अब दो ड्रॉप गए तो दूसरे दो ड्रॉप डाला, दो ड्रॉप गए तो तीसरे दो ड्रॉप डाले, डालते गए, थोड़ी देर बाद वॉमिट भी हुई, फिर माँ ने पिलाया, फिर वॉमिट हुई, फिर माँ ने पिलाया, फिर वॉमिट हुई। अब माँ ने कहा गुरु जी
अब चलो, अब ज्यादा देर नहीं रुक सकेंगे, अब नहीं रुक सकेंगे, चलिए आप चलो समय। तो गुरु महाराज गौतम स्वामी भी ऊपर आए, वो माँ भी ऊपर आई, दरवाजा बंद किया। अब गौतम स्वामी ऐसे आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने अपने पात्र ले लिए और सीधे बाहर से रवाना हो गए। माता जी अब मैं तो आहार पानी नहीं ले सकता हूँ, मैंने तो क्या जिंदी नरक देखी है, ऐसी नरक देखी है, अरे 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 भगवान, नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो आहार पानी ले नहीं सकता। वो तो सीधे रवाना ही हो गए सा, और रवाना होकर सीधे समोर शरण में आए, भगवान महावीर के पास आके वंदना की। हे परमात्मा, जैसा आपने वर्णन किया और कहा, एज इट इज द लिविंग एग्जाम्पल जो है वो जिंदा चित्र है। हे भगवान, ये जीव क्या है, ये जीव कैसा है, ये कौन सा जीव है, ये क्या करके आया है, इतना पाप क्या करके आया है, ये कक्षा ऐसी कथा दशा क्यों हुई इसकी। अब महावीर कह रहे, हे गौतम, क्या कहूं भैया, ये पिछले जन्म का इकाई राष्ट्र को टैक्स वसूल करने के लिए लोगों के हाथ फोड़ता था, ऐसे यूं जो है वो ला करके सीधे रॉड लेकर जाता था, फटाक से आग फोड़ता था, टैक्स नहीं दे रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो, फोड़ता था, आग फोड़ देता था ऐसा। अब क्या करना था, कान काटता था, नाक काटता था, टैक्स नहीं चुका रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो, समझो क्या समझते हो तुम, इतना बोलता था, गाली गलौज बोलता था, अपशब्द बोलता था, माँ बहन की गालियां देता था, और फिर उसके आंख फोड़ता था, कान फोड़ता, कान काट लेता, नाक काट लेता, क्या क्या करता था सब। हे गौतम, इस इकाई राष्ट्रकूट ने अपने 250 बरस तक के आयुष्य में जिंदगी भर यही काम किया है, यही काम। अब बताइए इसने कितने कर्म बांधे होंगे, कितने कर्म, कितने कर्म बांधे हैं। अब इसके बाद जब ये कर्म बनता है, ये दक्षिणा वर्णीय कर्म है, अब इसके अंदर इसके पांचों इंद्रियों के दरवाजे बंद हो गए, पांचों इंद्रियों के दरवाजे बंद हो गए। इधर इसका भारी ज्ञानावरणीय कर्म इतना बंधा है, इतना बंधा है, भारी ज्ञानावरणीय कर्म इतना बंधा है। अब इस कर्म की परिस्थिति के अंदर जो है एब्सोल्युटली मेंटली रिटार्डेड हो गया। अब ये कर्म, इसके अंदर कोई मति ज्ञान नहीं, कोई श्रुत ज्ञान नहीं, अब कुछ भी नहीं जो है, ऐसे परिस्थिति के अंदर अब आप करो तो क्या करो सर। इधर ये दरवाजा बंद हो गया, पांचों इंद्रियों के दरवाजे बंद हो गए, इधर आकर के ज्ञानावरणीय कर्म भारी हो गया, इधर इतना भारी, सब ज्ञान के दरवाजे बंद हो गए ना। तो जब अभी इंद्रियां ही कोई काम नहीं करेगी तो ज्ञान कैसे होगा, आखिर इंद्रियों का काम क्या है, बाहर के पदार्थों का ज्ञान आत्मा तक पहुंचाना। बाहर के जो भी ऑब्जेक्ट्स आए, अब वो बाहर के ऑब्जेक्ट जो भी है वो पुद्गल के हैं, और पुद्गल के वर्णक अंदर असस्पर्श, तो जीव ने अपनी तरह से पांचों इंद्रियां बना ली, ये भी पुद्गल की इंद्रियां हैं, इनको भी एक ही काम है, सिर्फ जो है पांचों इंद्रियों के 23 विषयों को ग्रहण करेगा, इससे ज्यादा इसका कोई काम ही नहीं है समझे। तो ये अगर इस तरह से करे, अब इस तरह से ये पांचों इंद्रियों के दरवाजे बंद हुए, तो देखना सुनना चाखना करना बंद हो गया, और इधर जो है न मेमोरी हो सके, न समझ शक्ति आ सके, न श्रुत ज्ञान हो सके, न अक्कल काम करे, न बुद्धि काम करे। अब उसको ऑटिज्म का इतना भारी प्रसंग, 100% मेंटली रिटार्ड, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ उसका आयुष्य चल रहा है। अब ये जो आयुष्य कर्म लेकर के आया है, ये आयुष्य कर्म वो जो है जितने हिसाब में है सा, कितना आयुष्य होगा। अब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को पूछा, तो महावीर स्वामी ने कहा 26 इयर्स का उसका जो आयुष्य है
उतने वर्षों तक ये जीवन जिएगा। हे भगवान, अब इस जन्म में तो ना तो कोई पाप कर रहा है, अब नया तो कुछ भी नहीं कर रहा है, अब ये तो पिछले जन्म का किया हुआ साथ में लेकर आया है और इतना आयुष्य उसके पास है। हे परमात्मा, अब इसका आयुष्य समाप्त तो होके मर के कहाँ जाएगा, क्या होगा इसका, आखिर कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा, जाएगा तो सही। महावीर स्वामी ने कहा, हे गौतम, ये 26 बरस के आयुष्य में मर कर यहाँ से पहली नरक में जाएगा। पहली नरक में एक सागरोपम का आयुष्य लेकर वहां जीवन जिएगा। हे गौतम, एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष होते हैं, अब ये वहां जाकर कैसा जीवन जिएगा, क्या करेगा। हे गौतम, वहां जाकर परमाधामी रोज उसकी आंख फोड़ेंगे, रोज उसके कान काटेंगे, रोज उसका नाक काटेंगे, रोज ये सजा वहां पर उसके लिए रोज की होगी। अब इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। 250 बरस में जो पाप किए आयुष्य काल में, अब उसकी सजा वो एक सागरोपम तक पहली नरक में भुगतता रहेगा, भुगतता रहेगा। अब माँ गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, हे भगवान, एक सागरोपम के लंबे काल तक भुगतने के बाद उसके सब आवरणीय कर्म क्षय हो जाएंगे। महावीर स्वामी कह रहे हैं, हे गौतम, एक भी कर्म समाप्त नहीं होगा। हाँ, आयुष्य एक सागरोपम का पूरा हो जाएगा, एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष है। हे गौतम, 8 कर्मों में से बस सिर्फ आयुष्य ही पूरा होता है, बाकी के 7 कर्म कुछ भी पूरे नहीं होते हैं। वो लेकर 7 कर्मों को साथ में लेकर अब दूसरे जन्म में फिर नरक से निकल करके आएगा। हे भगवान, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। हे गौतम, फिर दोबारा दूसरी नरक में जाएगा, फिर तीसरी नरक में जाएगा, फिर चौथी नरक में जाएगा। हे गौतम, ये अपने पाप कर्मों की, पुराने पाप कर्मों की सजा भुगतना, नए पाप कर्म फिर करना, फिर उसमें बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, फिर कर्म बांधना, फिर नरक में जाना, फिर कर्म बांधना, फिर नरक में जाना, फिर कर्म बांधना, फिर नरक में जाना। अरे 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 अरे, ये 7 बार तो 7 नरक में जाएगा। अब गौतम पूछ रहे, हे भगवान, फिर बाद में 7 नरक के बाद क्या होगा, 7 नरक से आगे 8वीं नरक तो है ही नहीं। हे गौतम, फिर ये नीचे गिरेगा, अब चौरेन्द्रीय में, पंचेन्द्रीय में से नीचे गिर के चौरेन्द्रीय में आएगा, फिर चौरेन्द्रीय से नीचे गिरकर 3 इंद्रिय में आएगा, फिर 3 इंद्रिय से नीचे गिरकर 2 इंद्रिय में आएगा, फिर 2 इंद्रिय से नीचे गिरकर 1 इंद्रिय में आएगा। 1 इंद्रिय में वो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के भव करता जाएगा, करता जाएगा। दिस इज द बर्थ एंड डेथ साइकिल, इट विल जस्ट कंटिन्यू गोइंग ऑन। हे भगवान, कितने जन्म होंगे। हे गौतम, असंख्य जन्म बिताता रहेगा, अनंत जन्म बिताता रहेगा। हे भगवान, अब ये भवी जीव है कि अभवी जीव है। अरे गौतम, है तो भवी जीव है। अच्छा 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 भगवान, जब भवी जीव है तो कभी ना कभी तो मोक्ष में जाएगा। हाँ गौतम, जरूर जाएगा। हे भगवान, कब जाएगा, क्या होगा इसका, कब जाएगा। हे गौतम, ऐसे ऐसे जन्म बिताते बिताते कब ये सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, कैसे करेगा, ग्रंथि भेद करेगा, ये मिथ्यात्व की गांठ खोलेगा और फिर ग्रंथि भेद करेगा, फिर वापस स्वर्ग में जाएगा, देवलोक में जाएगा, फिर वहां से आएगा, फिर मनुष्य में आएगा, फिर बैल में जाएगा, फिर देवलोक में जाएगा। हे गौतम, ये लास्ट में कभी चारित्र लेगा, कर्म क्षय करेगा, साधु बनेगा, अब सर्व कर्मों का क्षय होगा, तब मोक्ष में जाएगा। अब आप सोच रहे, महावीर स्वामी ने ये स्टोरी कहां से चालू की। एक काई राष्ट्र को 250 साल तक उसने जो पाप कर्म किए वहां से चालू की,
और उस एक जन्म के पाप के हिसाब से कितने जन्म बढ़ गए आप देख लो, अब कितने जन्म बढ़ गए, कितने भव बढ़ गए, सब कैसे कैसे भव हुए, कैसे कैसे, ये क्या है सब, ये कर्म का खेल है कि नहीं है। कितने बारी कर्मों का विपाक, विपाक मतलब क्या है, रिजल्ट ऑफ कर्म, विपाक मतलब ये कर्मों के उदय में आने से इसकी सजा क्या भुगतेगा, ये कैसी सजा भुगतेगा सब। ओहो गौतम स्वामी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, अरे भगवान, अरे भगवान, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा और इतना दुख और ये सब क्या क्या चल, कैसे होगा भगवान, हे भगवान क्या ये संसार में ऐसा एक ही जीव है। हे गौतम ऐसे तो संसार में अनंत जीव है इंसान जो इस प्रकार की दुख वेदना पीड़ा तकलीफ भुगत रहे, क्या भगवान ये सब इसी तरह पाप करके आते हैं। हाँ गौतम बिना पाप के कोई अशुभ कर्म बनता ही नहीं है, कोई पाप न करे तो अशुभ कर्म नहीं बन देगा सन, बिल्कुल नहीं बन देगा। ऐसे भारी अशुभ कर्म बांधते हैं लोग संसार में, कितने लोग दुखी है, कितने लोग दुखी है, कैसे कैसे दुखी है, हैंडीकैप है तो कैसे कैसे, खाली हाथ पैर के कारण हैंडीकैप है। ओहो हो आप देखने जाओ, देखने जाओ, देखने जाओ तो संसार में कैसे कैसे दुखी लोग है, कितने दुखी लोग है, क्या कल्पना कर सकते हैं हम, कैसे कर, ऐसी परिस्थिति, इतनी बड़ी सारी परिस्थिति संसार की है, सोचिए अब क्या करना, कैसे करना? अब ये सारी बातें जो है, when if you want to listen all the topics of the Vipak Sutra, there are the 10 topics of Vipak Sutra of Dukkha Vipak, and again another 10 topics of the Sukha Vipak. What type of Ashubha Karma, Pap Karma, sinful activities, what type of sinful activities in this universe the living beings, the jivas are doing? अब ये आपको सुनना हो तो मैं एक विपाक सूत्र की एक सीरीज चालू करूं, वो भी एक साल चलेगी। अब क्या करूं सर, पहले मलार में चातुर्मास थे, दो चार महीने पहले की थी तो थोड़ा चला था, तीन चार अध्ययन हुए थे, तीन चार सम, लेकिन बाद में नहीं चले तो चातुर्मास पूरा हो गया, निकल गए तो वो क्लासें बंद हो गई, व्याख्यान बंद हो गए सर, अब दूसरे दूसरे टॉपिक पर ध्यान जाते वो होता रहता है। लेकिन ये विपाक सूत्र 45-45 आगमों में, दिस वन इज 11th आगम, अंग सूत्र है जो 11 अंग सूत्र, नाउ डेज इट इज अवेलेबल दिस 11 अंग सूत्र, ये वन ऑफ देम इज 11th आगम शास्त्र इज कॉल्ड विपाक सूत्र। लेकिन इसमें हम जो यहाँ पर यू आर स्टडिंग हियर, दिस इज द कर्म थियोरिटिकल कर्म, what the theory of karma is, but in Vipak Sutra that is only the practical, what type of practical, who had done this type of karma, why they have done this, aise karma kisi ne bande, kab bande, kitne bande, kyon bande, kaise kaise karma bande, to bhai karma to kitne aath hi hai, बेसिक जो है मूल रूप से कर्म देखो तो ऑनली एट, आठ ही तो कर्म है, और आठ कर्मों की ब्रांचेस, सब ब्रांचेस डिवीजन में कितने हैं सर, 158 है बस, और ये फिगर तो परमानेंट है, अनादि अनंत काल से है, अनंत काल पहले भी आठ कर्म ही थे, आज भी आठ ही है, महाविद्य में सिमंदर स्वामी के वहां पर भी आठ ही है, इतने अनंत काल के अंदर एक भी कर्म का डिवीजन बढ़ा ही नहीं, इधर अनंत काल में आठ कर्मों की जो सब ब्रांचेस की 158 प्रकृतियां, उसमें एक भी कम ज्यादा हो ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, इसी तरह से चल रहा है, कितनी एक्यूरेट फिलोसॉफी, और कितनी मतलब केवल ज्ञानियों ने दी हुई इतनी बड़ी फिलोसॉफी, आप देख लो समझे कि नहीं, ये कैसी फिलोसॉफी दी है, तो ये कैसे हम समझ सकते हैं,
और कैसे ख्याल आ सकता है, तो ये हम सीख रहे हैं कर्म की थी। और अभी आप इसमें सीख रहे हो दर्शनावरणीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये जब आप सीख रहे हो तो आपको ये भी ख्याल आ जाएगा कि इतने भारी जो कर्म है और इतने इन कर्मों के अंदर ऐसी परिस्थिति, तो संसार के अनंत जीवों की बात, अनंत जीव। अब वो निगोद के हैं, एक इंद्रिय के जीव हैं, दो इंद्रिय वाले हैं, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले, पांच इंद्रिय वाले, स्वर्ग में देवी देवता कैसे कर्म बांध रहे हैं, नरक में नारकी कैसे कर्म बांध रहे हैं, तीर्य जगति में पशु पक्षी कैसे कर्म बांध रहे हैं, एनिमल एंड बर्ड्स जो है वो कैसे कर्म बांध रहे हैं, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग मनुष्य के अंदर हम किस प्रकार के कैसे कर्म बांध रहे हैं, हम ये सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब पूरे संसार में बिना कर्म बांधने वाला कौन है? पूरे संसार में अनंत अनंत जीवों में बिना कर्म बांधने वाले है कौन भाई साहब, कौन है? ये कैसी परिस्थिति है, कितनी बड़ी विटंबना है, इतने कर्म जो बांधे जा रहे हैं, इतने कर्म लोग बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, क्यों नहीं ख्याल है लोगों का? इसलिए मैं जस्ट आई वांट टू इंसिस्ट दैट कि विपाक सूत्र भले हिस्टोरिकल है, चरित्रात्मक है, लेकिन सुनना चाहिए साहब। ये समझेंगे समझेंगे तब हमारी आंख खुलेगी कि ओ हो हो हो, चलो हम दूसरों के नाम की स्टोरी सुन रहे हैं ना, लेकिन इट शुड नॉट हैपन इन अवर लाइफ। कल हमारी जिंदगी में ये होना नहीं चाहिए, कल हमारी लाइफ में ये घटित नहीं होना चाहिए। तो ये सुन करके और इधर आप थियोरी सुन लो, अब ये हम समझ तो सकते हैं ना, इससे हमारी अवेयरनेस कितनी बढ़ जाएगी। नहीं, हमको ऐसे कर्म नहीं बांधने, हमको ऐसे कर्म नहीं बांधने सर, तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। अब इसलिए आप सबको समझाइए, आप सबको समझाइए कि आप जैन हो या अजैन हो, आप नॉन जैन्स हो या जैन्स हो, आप ये यूनिवर्सल जो फिलोसॉफी है, यूनिफॉर्मल थियोरी जो है, इट शुड बी अप्लाइड फॉर ऑल, यू सी। तो आप भी समझ लो, आप लोग भी सीख लो, आप लोग भी जान लो, आपके भी लाभ की चीजें, आपके फायदे की चीजें। कोई जैन धर्म की मोनोपोली है, ठीक है, तो जैन लोग भले ही करें, कुछ भी करें, आप लोग भी तो स्टडी कर लो, आपके लिए भी फायदा है। आप अपनी आत्मा को कर्म बंध से बचा तो सकोगे। हम तो यहाँ इस कर्म की थ्योरी के क्लास के अंदर आज साल डेढ़ साल हो गया ना, अब डेढ़ साल से हम तो बिल्कुल ये थियोरिकल स्टडी कर रहे हैं, ना तो कोई जैन धर्म का नाम आ रहा है कि ना कोई हम जैन की बात करें, ना कोई संप्रदायवाद की बात कर रहे हैं, ना कोई समुदाय की बात करें, ना किसी पर्टिकुलर धर्म की बात है। बस केवल ज्ञानी केवल दर्शनी ने जो रियलिटी वास्तविकता सच्चाई उन्होंने देखी है, उन्होंने बताई है, उन्होंने कही है, वो हम सबके सामने व्यक्त करें, स्पष्ट करें। अब इसके अंदर जो है, अब ये दर्शनावरणीय कर्म कितना भारी हो गया है साहब, कितना भारी। ये दर्शनावरणीय कर्म अब आपकी पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल कर रहा है साहब, अब इसका काम है साहब। अब बाहर से जो ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब वो अगर देखना है, सुनना है, जानना है, तो उसका नॉलेज तो वो अंदर आत्मा में आएगा तो होगा ना, ज्ञान तो अंदर आत्मा में आना तो चाहिए कि नहीं। इंद्रिया, दीज आर ऑल फाइव सेंसेस आर द गेटवेज एंड द विंडोज, विंडोज फॉर द नॉलेज। From this way of the five senses, the knowledge will come inside. आत्मा में ज्ञान आएगा। कैसे आएगा सर? इंद्रियों के दरवाजे बंद रहेंगे तो ज्ञान नहीं आ सकेगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। अब हम देख रहे हैं सर, आप सर्वे देखिए संसार के अंदर, सब लोगों का रिपोर्ट देखिए, crores of जो है पीपल्स आर ब्लाइंड बाय बर्थ, यू सी।
crores of people are totally dumb and deaf, they can't listen in not a single word also. अब क्या 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 लोग पैदा होते हैं संसार में. अब माँ तो बेचारे क्या करेगी साथ, माँ के पास तो कोई रास्ता नहीं है, बस 9.5 महीने अपने गर्भ में धारण करके वो बालक को जन्म देगी. She will deliver after 9.5 months. उसके पास तो कोई विकल्प, कोई विकल्प सोच लीजिए आप, समझे कि नहीं. इसलिए मैं कह रहा हूं जब थोड़ा सा इंसिस्ट करिए. Anyhow, we must learn this karma philosophy. And this is the fundamental chi, fundamental vastu, a karma philosophy. And this type of karma philosophy, it is the heart of the Jainism. Ab dharam, 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 ek taraf jo hai, matra dharam ki baat nahi kar rahe hum. Dharam to kab kaam aayega? Kiye huye karma ka kshay karne ke liye. Naye karam rokne ke liye. Shubha punya upargan karne ke liye. निर्वाण की कक्षा में मोक्ष तक पहुंचने के लिए. लेकिन यहाँ धर्म नहीं, पहले कर्म कर, पहले कर्म को समझना है. पहले डॉक्टर जो है व्हाट टाइप ऑफ द डिजीज इज, ही मस्ट डायग्नोस फर्स्ट द डिजीज एंड देन ही शुड थिंक अबाउट द मेडिसिन द ट्रीटमेंट. इससे वो तो बात की बात है ना. तो धर्म क्या है? धर्म तो कर्म का क्षय करने के लिए धर्म है. लेकिन पहले तो आपको जो है कर्म क्या है ये तो समझना ही पड़ेगा. ये कर्म की स्टडी तो करनी ही पड़ेगी साहब, जरूर. मैं भी समझता हूँ टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ सोचिए साहब. कोई मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है. तो ये है कि किस तरह के कर्म हम बांध रहे हैं, कैसे कैसे कर्म हम बांध रहे हैं, कितने कर्म बांध रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा इन फ्यूचर, इन कर्मों के कारण भविष्य में क्या होगा सर, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. हाँ जी साहब बोलिए. टाइम तो ज्यादा होता जा रहा है. बोलिए साहब, दोज हु वांट टू आस्क अ क्वेश्चन बोलिए. हाँ जी, सुनीता आंटी. साहब जी, शरीर का एक एक रोम खड़ा हो गया ये स्टोरी सुन के. मतलब इनका इतना गहरा असर होता है, इतना गहरा असर होता है कि सपने में भी कोई पाप करने का सोच नहीं सकता. और साहिब जी, अगर आप इसको शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है. बहुत बहुत मतलब हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि इनका असर बहुत गहरा है. और साहिब जी, एक बात जरूर ख्याल में आती है कि वो मृगा पुत्र की माँ ने ऐसा क्या कर्म किया होगा जो उनका वो पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ. मतलब उनको वो भी उन्होंने क्या उसको भुगता, उनका भी कुछ साथ में कर्म होगा जरूर. तो ये जुड़ते होंगे, कोई ना कोई कारण तो होगा. नहीं होगा ऐसी बात नहीं. अब क्या करें सोचिए समझे कि नहीं. अब माँ भी तो है, क्योंकि सुख दुख में तो भागीदार बनेगी ना. अब माँ तो बेचारे उस दुख के पीछे जो है अपनी जिंदगी की होड़ लगाएगी. लेकिन एक माँ को धन्यवाद तो दीजिए, इस कंडीशन में 26 बरस की उम्र तक एक माँ बच्चे को संभाल रही है. दूसरा तो कोई वहां पैर नहीं रख सकता है, कोई जाकर के उस अंडरग्राउंड में जाकर कोई पैर नहीं रख सकता है. लेकिन माँ की ममता देखो. और आज का कलयुग होता ना, आज का कलयुग होता तो माई जाके डॉक्टर को कहती, भाई साहब पॉइजन का इंजेक्शन दे दो. और इंजेक्शन देने की बात तो नौबत बहुत बाद में आती, 9.5 महीने के बाद में. लेकिन फर्स्ट सेकेंड मंथ में ही बोलती, अबॉर्शन ही कर दो, मुझे नहीं चाहिए था, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे, मैं उसके पीछे बंधी रह जाऊंगी साहब. माँ को ये मालूम नहीं है कि पिछले घरों के जन्मों के कर्मों को देख करके आज फिर तुम वापिस उस जीव को मारोगी. फिर जो है उस पंचेंद्रिय मनुष्य जीव की हत्या करोगे, फिर नया कर्म बांधोगे, फिर नया कर्म बांधोगे. अब इसका हिसाब कौन करे? ऐसे होते हैं कर्म, कहीं ना कहीं जाकर के होते हैं. और कुछ लोग आज भी मैंने देखे, देखिए मेरी लाइफ में भी मुझे कई केस मिले हैं, कई केस की स्टडी करने की नौबत आई है. आई एम रनिंग 72 टुडे.
एंड मुझे लाइफ के ऑलरेडी 54 इयर्स आर ऑलरेडी पास्ट अवे, तो मुझे कई महिलाएं मिली, मैंने कहा आपने एबॉर्शन क्यों नहीं कराया? बोले महाराज जी मैंने कर्म का सिद्धांत समझा है, पहले ही इतने पाप कर्म करके आए थे, आज नया कर्म बांधूंगी तो मेरे पाप भुगत लो ना, फिर क्यों वापस कई जन्मों तक ये कर्म का हिसाब बढ़ाना सर? ऐसे भी समझदार है, बोले नहीं सर मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगी। लेकिन अब क्या अफसोस की बात करें भक्शाली, आज भी जैनों के यहाँ एबॉर्शन होते जा रहे हैं, हो रहे हैं, मुस्लिम समाज नहीं कराते हैं, क्रिश्चियन लोग नहीं कराते हैं और जैन लोग एबॉर्शन करा रहे हैं। इधर जीव दया करते हैं, इधर गाय को जो है घास खिलाते हैं, कुत्ते को जो है रोटी खिलाते हैं, कबूतर को चना डालते हैं, गाय को, लेकिन इधर सब कुछ जीव दया का पुण्य करने के बाद भी अपने पेट के बच्चे को मारने के लिए अबॉर्शन कराते। अब वो सोचिए समझे कि नहीं, क्यों ऐसा पाप करते हैं समझ में नहीं आता। अब इस पंचेंद्रिय जीव की मनुष्य वध की हिंसा का पाप नहीं भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। कोई कर्म तो नहीं छूटते है ना, कर्म तो किसी से नहीं छूटते। आप ये समझ दो कि कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देखता है, भाई कोई किसी के देखने की जरूरत नहीं है, किसी के जानने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख रहा हूं ना मेरा पाप, बस बहुत हो गया। किसी के जानने ना जानने क्या फर्क पड़ता है, भुगतना तो मुझे है ना, सजा तो मुझे भुगतना, ये बात समझ करके चलिए सर। हाँ जी बोलिए सर। महाराष्ट्र यह पूछ रहा, महाराष्ट्र यह है कि उन्होंने जो पाप किए, मैं यदि किसी को वचन से बोलता है कोई आदमी कि तुम्हारा तुम्हारा मतलब दांत तोड़ दूंगा, आंख तोड़ दूंगा, तो उससे क्या अगले जन्म में उसका हो जाता है क्या उस हिसाब से? ये तो देखिए मैंने क्या समझा, मन वचन काया, अब तीन ही तो है ना यहाँ पर, ये तीन साधन इंस्ट्रूमेंट है ना। अब आप कब जो है वचन योग से भाषा में पाप, कभी आप जो है अपने मनोयोग से मन से करोगे, कब आप काया से शरीर से करोगे साथ, तो कर्म तो आत्मा को ही तो बन रहे, काया से थोड़ी बन रहे, काया नहीं बन रही है, वचन योग मनोयोग काया, तो कर्म तो आकर के यही बनने वाले। तो फिर टिट फॉर टैट का नियम कहां से आया, जैसे पाप हम कर रहे वैसे कर्म बांध रहे, तो कल उदय में आएंगे, फिर कल उदय में आएंगे तब यही तो होने वाला है। हमारा सा सेकंड प्रश्न यह है कि उन्होंने क्या कि मृगा पुत्र ने महाराज 250 वर्ष के कारण पहली नरक का एक सागरों का आयु भोग लिया, उसके बाद ही वो कर्म कहनी हुए, फिर और ज्यादा, फिर तीन सागरों, सात सागरों, चौथी नरक में जाए तो 10 सागरों, फिर वो तो बढ़ते ही जाएगा ना, बढ़ता ही जाएगा, फिर नया पाप भी बढ़ाएगा, फिर नया पाप करता जाएगा, फिर कर्म बात, तो क्या करना, रुकेगा कहा? जब तक जीव मिथ्या दृष्टि रहता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है, ग्रंथि भेद नहीं करता है, सत्य नहीं समझता है, वहां तक तो यही चलने वाला है। वहां तक तो यही चलता रहेगा, कैसे छूटने वाला है, सोचिए यही परिस्थिति है, समझे? अजी कांती अंकल अनम्यूट करके। अरे महाराज साहब आपने जो भी आज कर्म के बारे में कहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ सारे वर्ल्ड में अभी जैन डाइजेस्ट की अभी जो निकली है वेबसाइट, वो मैं सभी को विनंती करता हूँ देखना कि सारे वर्ल्ड में ये कर्म की थ्योरी जो है जो महावीर भगवान ने बताई है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, जो कल ही निकली है और इसकी वेबसाइट भी आ गई है, तो मैं सबसे विनंती करूंगा, हमारे अमेरिका से तो
निकली है, लेकिन सारे वर्ल्ड को ये देखना चाहिए और फॉरवर्ड कर दो कि कितने बच्चों लोगों ने भी ये शुरू किया है लेट अर्ली 90s में। जैन फिलोसॉफी का कितना इम्पोर्टेंस बता रहे सभी धर्मों के सामने, सभी धर्म में एकत्व का बताया है और अन्य और हमारे जैन धर्म की जो फिलोसॉफी अनेकांतवाद है उससे कैसे कितना ज्ञान हो रहा है वो बता रहे। तो मैं सबको विनंती करूंगा वो देखे, जैन डाइजेस्ट की वेबसाइट पर जाकर पढ़ ले, 140 पेज की है सारी हिस्ट्री बताई हुई, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आपको आपके जो वचन है वो उससे बहुत ही उन्नति हो रही है जैनों की, वही मैं इच्छता हूँ बस। ये आप सबको भेज दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लोग पढ़ेंगे सीखेंगे ना। It also contains the biography of अपने साहिब जी की biography, बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं पूरा life history. Yes, I have shared with everyone, कल सबके साथ share किया है मैंने साहिब जी का पूरा, विजय भाई है उन्होंने पूरा अच्छे से लिखा है पूरा, तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है, तो आप प्लीज अवश्य रीड करेगा उसको, आपको बहुत कुछ साहिब जी के बारे में जानने को मिलेगा। कांति भी जो बोल रहे हैं आप सबको शेयर कर दें। जी जी सर, जैन डाइजेस्ट फेब्रुआरी 2022 की बात है और साइकिल ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस से शुरू होती है, आर्टिकुलेट होता है वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, क्या क्या है जो वुमेन मैन स्टूडेंट्स बच्चे भी कैसे ये सीख रहे हैं, तो ये अभी समय आ गया है कि सारे वर्ल्ड की ये सेवा कर सकता है जैन फिलोसॉफी। उत्तराध्ययन सूत्र में जो आपका इसी तरह का एक 19वें अध्याय में आता है मेघापुत्र का, जो आपने पहले कोई कक्षा में जिसका अध्ययन करने के लिए बोला था, याद नहीं आ रहा है मेरे को। उत्तराध्ययन सूत्र का एक अध्ययन और ही अलग है। हाँ, वो तो एकदम इसका एकदम विपरीत है, वो अलग है। थोड़ा ध्यान दीजिए, वो अलग अध्ययन है, ये विपाक सूत्र का अलग अध्ययन। मैंने जो उत्तराध्ययन सूत्र का आप लिख लीजिए, इसमें अध्ययन जो बोला वो है सम्यक अध्ययन। आपने 70 क्वेश्चंस के आंसर है, क्योंकि भगवान को जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं वो मैंने आपको उस समय कहा था जब दीपावली के टाइम पर मैं उत्तराध्ययन आगम शास्त्र पढ़ रहा था तब का। बराबर है उमेश भाई। मध्य वंदना में गुरुदेव, गुरु जब जो परमाधामी देव होते हैं वो पहले नरक में होते हैं, जब वो महाराज साहब कष्ट देते हैं नारकियों को, तो उनको कर्म नहीं बनते जी? बहुत ज्यादा, हजार गुने ज्यादा कर्म बनते हैं। पहली नरक में भी परमाधामी है, दूसरी नरक में भी है, तीसरी नरक में भी है, उनको बहुत भारी कर्म बनते हैं, लेकिन वो इतने भारी मिथ्यात्वी होते हैं, इतने अधर्मी होते हैं, और वहां वो राक्षस जैसे, तो इतने भारी राक्षस जैसे होते हैं कि वो इसमें सब मानते ही नहीं है, तो वो कर्म बांधते ही जा रहे हैं, तकलीफ भी है, तो वो भी भुगतेंगे, उसकी भी सजा वो भुगतेंगे, ये तो वो नहीं है। जी महाराज सर, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप विपाक सूत्र जरूर स्टार्ट कीजिए क्लासेस। थैंक यू, कर लो आप सब मिलकर के टाइम सेट कर लो, मैं तो आज कर दूं सर। जी जब भी नहीं, मैं तो आप चिंता नहीं है, स्विच ऑन करो रेडियो चालू हो जाएगा, आप खाली टाइम सेटिंग कर लो। थैंक यू महाराज सर। तो सर जी, ऑल क्वेश्चंस आर ओवर, सो टुमारो 7 to 8 p.m. Devchandra Ji Chaudhary's class, and then 8
टू 9 पीएम मेडिटेशन का क्लास रहेगा, सो प्लीज डू जॉइन एवरीवन. थैंक यू. नमो ओरियंतानम सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्जायानम नमो लोय सर्वसाहनम एसु पंचनम उकारम सर्व पापपनाशनम मंगलानम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोलेभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नगौतम मंगलम. चत्तारि लोकोत्तम अरिहंतालम हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शांति. प्रणाम सभी को.